Morning students, today we are going to do the topic noun number. First of all, we have read about nouns. In earlier classes, you have read about noun. What is noun? A noun is the name of a place, a person, an animal or a thing. बेटा जो नाउन है वो किसी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग का नेम होता है. फॉर एग्जांपल प्लेस इज स्कूल, पर्सन इज टीचर, एनिमल डॉग एंड थिंग इज टेबल. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. व्हेन अ नाउन रेफर्स टू वन पर्सन एनिमल और अ थिंग इट इज़ सिंगुलर. सिंगुलर नाउन जब वो किसी वन पर्सन एनिमल और थिंग के बारे में बताता है दैट इज़ सिंगुलर नाउन. मीन्स एक एक पर्सन एक थिंग एक एनिमल के नेम के बारे में बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेहा, नेहा इज़ द नेम ऑफ वन गर्ल. कैट, टेबल, ड्रेस, मैन, टूथ, सीजर्स, दीज आर सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. व्हेन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग इट इज प्लूरल. और बेटा प्लूरल नाउन जो है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल और थिंग, सो दैट इज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल नेहा एंड अनु. हियर व्हेन सिंगुलर नेहा इज वन गर्ल. नाउ हियर नेहा एंड अनु देर आर टू गर्ल्स, दैट इज प्लूरल नाउन. कैट, कैट्स. टेबल, टेबल्स. ड्रेस, ड्रेसेस. मैन, मैन. व्हेन सिंगुलर मैन इज देयर देन वी यूज एम ए एन मैन, एंड प्लूरल मैन देन एम ई एन मैन. टूथ, वन टूथ. एंड हेयर टीथ. सीजर्स, व्हेन सिंगुलर नाउन इज देयर सीजर्स, तो इन द प्लूरल नाउन दैट इज सीजर्स. दैट इज सेम, दैट हैज़ नॉट बीन चेंज. सो इट इज ऑलवेज प्लूरल. मीन्स सीजर्स, इसको हम बेटा कभी भी सीजर नहीं बोलते हैं. ऑल बिकॉज सीजर हैज़ टू ब्लेड्स. कभी आपने देखी होगी सीजर, कैंची जो आप यूज़ भी करते हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसके टू ब्लेड्स होते हैं ना. तो दैट इज़ ऑलवेज यूज इन प्लूरल नाउन. सो देर आर सम रूल्स टू चेंज नाउन. फर्स्ट रूल, टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इन टू प्लूरल नाउन बाय एडिंग एस. हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन. बैग, टीचर, कार, गर्ल, टाइगर. एंड विद दीज वी चेंज दीज नाउन ओनली एडिंग एस. बैग चेंज इन टू बैग्स, वी एड हियर एस. टीचर, टीचर्स. कार, कार्स. गर्ल, गर्ल्स. टाइगर, टाइगर्स. इन ऑल दीज नाउन वी हैव एडिंग ओनली एस. दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड इन सेकेंड रूल, बाय एडिंग ई एस टू द नाउन्स दैट एंड विद इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड ओ. सी हियर बस, लास्ट लेटर इज एस. वी हैव रेड हियर एस एंड इट चेंज इन टू ई एस. एंड व्हेन प्लूरल नाउन इज देयर देन बस चेंज इन टू बसेस, वी एड ई एस हियर. ग्लास, एस एस डबल एस इज देयर, सो हेयर वी आल्सो एड ई एस. ग्लास चेंज इन टू ग्लासेस. एंड डिश, लास्ट लेटर्स एस एच.
and that changes into dishes. Dish change into dishes. We add es. And branch, last two letters ch, and we added es. Branch changes into branches. Forks, last letter is x, and we add es. Foxes. Number 6 is potato. Last letter is O. And we also add here ES. Potatoes. Come to the third rule. By changing Y to IES to nouns that end with the consonant plus Y. So here we have to. Yes, students. We have known that total alphabets 26 and vowels, 5 vowels are there, A, E, I, O, U, and 21 consonant. These are the B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N up to Z. Means these are, I have written here on the page, these are consonant and 5 vowels. So in this rule we have seen here the noun that ends with the consonant plus Y. Baby. So when last letter Y is there and before Y there is consonant B, then in plural noun we add IES. Babies. Now in second, lady. Y is there and before Y there is consonant D, so here we also add IES. Ladies. City. Before Y there is consonant T, so here city change into cities, adding IES. Fly. Here before Y consonant is L, so fly changes into flies. Story. Before Y consonant is R, and story changes into stories by adding IES. And fourth rule, by adding S to nouns that end with the vowel plus Y. Earlier I have told you that there are 5 vowels. So when before Y there is a vowel, then we add only S. See here, Y, last letter is Y, and before Y there is vowel E. So keyword is there and key change into keys. Here we only add S. Monkey. Now before Y E vowel is there, so monkey changes into monkeys. Toy. Before Y vowel is O vowel is there, so here we change toy, toys. Boy. So before Y vowel is O, then boy change into boys. So listen students, once a time again I have told you that when before Y any consonant is there, then we use IES. And before Y when any vowel is there, A, I, O, U, any vowel is there, then we only add S with nouns. Okay, thanks.